सिटी की रसोई में हमारी आज की रेसिपी है तिल भुक्का। मैं हूँ सीमा सोनी, मेरे साथ हैं NFCI से अंजना जोशी और शेफ गौरव। शुरुआत करते हैं। बिल्कुल मैम जी। तो आज हम, जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिवल चल रहा है, तो जो लोहड़ी है उसमें ये मेन स्वीट है, तो आज तभी हम करवाने जा रहे हैं आपको तिल भुक्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तिल भुक्का। इसके लिए चाहिए खोया, हमने हाफ के जी खोया लिया है, और साथ साथ में आपको पता है सीमा जी, हम इसमें वेरिएशन भी बताएंगे आपको। सिंपल तिल भुक्का नहीं बताएंगे, हम इसमें दो वैरायटी और बताएंगे। ओके, मतलब एक तो सिंपल भुक्का और उसमें एक कुछ और वैरायटी बताएंगे, एक और बताएंगे। हाँ जी, मतलब तीन तरह से। इसको पहले थोड़ा सा हमने गरम करना है, ऐसे भूनना है हमने। जो इंग्रेडिएंट जाता है ना तिल का, तिल क्योंकि गरम होता है, तो इसीलिए हमारी हड्डियों को भी और हमारी बॉडी के अंदर में भी अच्छा एक तेल प्रदान करता है, इससे अच्छा मतलब गर्मी अंदर हो जाती है हमारे को, इट्स गुड फॉर हेल्थ। इसीलिए ये जनवरी में सर्दी में, बिल्कुल तभी तो आप देखिए, अगर सर्दियों में ही ज़्यादातर, जैसे कि पिन्नियाँ, हर तरह की पिन्नी सर्दियों में ही बनती है, यानी कि हमारी बॉडी में काफ़ी बेनिफिट आ जाते हैं कि हाँ भी तिल है, साथ में हम अलसी की पिन्नियाँ भी बनाते हैं, आटे की पिन्नी, बेसन की पिन्नी, हर एक चीज़ बनाते हैं। तो एक मतलब है, यानी कि हर डिश का के एक मौसम के हिसाब से। तो ये गर्म हो चुका है, अभी और करेंगे इसको। हाँ जी और करेंगे इसका। देखने में तो लगता है कि हाँ भी सब कुछ तो रेडी है, करना भी क्या है, मेन इसका यही है कि जो खोए को भूनना है, इसका मेन ये है, क्योंकि देखा जाए तो ये रेडी है, एक तरह से खोया है ऑलरेडी कुक्ड है, मगर इसको भूनने का एक तरीका है, एक कहाँ तक इसको भूनना है, कितना टाइम भूनना है, ये इसका मेन है। शेफ कैसे पता लगेगा अब ये हो गया है? देखिए, जैसे हम इसमें खोया डालते हैं वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो अब ये इकट्ठा हो गया है, नॉन स्टिकी हो गया है, तो इसका मतलब ये रेडी होने वाला है, रेडी हो चुका है लगभग, और नॉन स्टिक होना चाहिए। ओके, पहले फिंगर पे लग रहा था, अब लग नहीं रहा, इसका मतलब ये रेडी है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, शुगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जितना आप मीठा खाना चाहें उसके हिसाब से। अब ये एक बार फिर से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आएगा, क्योंकि शुगर मेल्ट होगी, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया, वाइट से हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से, जो हमारा ये देखिए खोए का कलर भी चेंज हो गया है, प्लस पहले जैसे कि हमने ये मेल्ट कर गया था, तो अब ये एक नॉन स्टिक हो गया है। इसको हाथ भी लगा के आपने देखना, ये देखिए ऑयल भी आ गया है, मगर ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, नॉन स्टिक होने तक कुक करना है, नहीं तो अदरवाइज इसका ऑयल आ जाएगा इसके ऊपर, ऑयल नहीं आने देना। तो अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये देखिए कैसे अब एक बॉल सी बन सकती है इसकी, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से बढ़िया सी बॉल बन गई, तो इसका मतलब ये रेडी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तिल भुक्का के लिए हमें चाहिए तिल, सेसमे सीड। सेकेंड स्टेप है हमारा, हमने जो तिल है इसे रोस्ट करना है, तो ये भी हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। खोए में तिल का टेस्ट आ जाए, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, जो तिल है रोस्ट करने के बाद, इसको ग्राइंड करके इसका आधा पाउडर हम खोए में डालेंगे, बाकी हम ऊपर से इसकी कोटिंग करेंगे। ओके, ऐसे ही आप बादाम का कर सकते हैं, बादाम का भी बना सकते हैं और गुलाब का भी बना सकते हैं। वाह शेफ, क्या बात है। और ये रेडी हो गए हमारे, रोस्ट हो गए तिल। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने से क्या होगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगे, तो क्रिस्पी होने पे क्या होगा, पाउडर अच्छा बनेगा, एकदम फाइन पाउडर बनेगा। और पाउडर बनाना है हमने, याद रखें हाफ का पाउडर बनाना है, हाफ का नहीं, ऐसे ही लगाना। तो ऐसे ही आप बादाम भी लगा सकते हैं, बादाम का हमने पाउडर बना रखा है,
तो चलिए अब हमने इसमें थोड़े से तेल डाल लिए, हाफ तेल डाल लिए, अब इसका बनाते हैं पाउडर। ये देखिए जी मेरी कुछ इस तरह से पाउडर रेडी हो गया। तो अब इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इससे क्या होगा, एक फ्लेवर अच्छा आएगा। तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। और जो इसके ऊपर तेल लगाने हैं वो जैसे तेल हमने इसमें पाउडर फॉर्म में डाल दिए हैं, उसके बाद जो तेल ठंडे नहीं होने देने, जो हमने जो तेल रखे हैं एकदम से जैसे कि अंदर तक ये लग जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम बॉल्स बनाएंगे, लड्डू की शेप दे लो, पिन्नी की शेप दे लो, या जैसा मर्जी, मतलब जैसा आपको लगे वैसा वाला आप शेप दें, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा शेप दें। तो इसी बार में अब जैसे आपको अच्छा लगे तो बनता तो है, मुझे अब जैसे आपको अच्छा लगे। शेफ आपको सुंदर मुंदरी आता है? नहीं मैम वो नहीं आता। अगर तिल के लड्डू आपको आते हैं, तिल का भुग्गा आता है आपको, फिर लोहड़ी वाला सॉन्ग क्यों नहीं आता? क्या कहा जा सकता है जी? सुनाओ जल्दी जल्दी जितना आता है। एक दो लाइनें आती है, सुंदर मुंदरिये हो हम वो करेंगे। अच्छा ठीक है, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्हा पट्टी वाला हो अगे आंदा नहीं, दूल्हे दीती बियाई हो शेर शक्कर पाई हो अगे मेनू भी नहीं आंदा। और दो लाइनें मैडम की भी बनती है। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं तिल के लड्डू, तिल भुग्गा, तिल के लड्डू, तिल की पिन्नी, कुछ भी बोल सकते हैं। और अब नेक्स्ट होगा प्लेटिंग का काम। प्लेटिंग, और प्लेटिंग हर बार की तरह आपको सब पता ही है, सबको परंपरा के हिसाब से, परंपरा हमारी जो परंपरा है, हम इसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा तिल डाल देते हैं। और अगर आपको इसको बहुत अच्छा, मतलब एकदम और न्यूट्रिशियस बनाना है तो वी कैन ऐड बादाम। और अगर कभी किसी को अच्छा लगता है गुलाब जल या गुलाब वाला खाने का, तो गुलाब भी आप इसके अंदर में कर सकते हैं। मैंने जैसे सजा दिया है गुलाब से। तो इस तरह से आज हमने बनाए हैं तिल के लड्डू, तिल भुग्गा। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज आप हमारे पेज सिटी की रसोई पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई रेसिपी सीखना या अपनी कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर करना, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।